लोकल टू ग्लोबल टॉप 100 के बाद आपके साथ मैं हूं शुभांकर, लेकर देश का कोरोना बुलेटिन। कोरोना ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। हर दिन परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं, विचलित करने वाली तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, एक के बाद एक चिंता बढ़ाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। कोरोना की दूसरी लहर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने की कोशिशें भी की जा रही हैं, उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन वायरस ताकतवर होता जा रहा है। और इस खास कोरोना बुलेटिन में हम आपको कोरोना से जुड़ी हर अपडेट देंगे, हर खबर हर नई तस्वीर से आपको रूबरू करवाएंगे। तो शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। तो बड़ी खबर यह है, कोरोना के हर दिन रिकॉर्ड आंकड़ों से देश में दहशत है। 24 घंटे में 1,44,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। 794 एक्टिव केस, आपको बता दें पहली बार 10.40 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं और रिकवरी रेट जो है वो 91 से घटकर 90 पहुंच गया है। मरने वालों का संख्या अगर बात की जाए तो 1,68,000 से ज्यादा है। और एक दिन में अगर कोरोना से मौत की बात की जाए तो आपको बता दें यहां पर 794 मौतें हुई हैं। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेहद तेज है। कोरोना हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। 6 अप्रैल से संक्रमण के आंकड़े 1,00,000 से ज्यादा आ रहे हैं, जिससे महामारी के आगे देश की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,45,384 नए केस सामने आए, जिनमें 794 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 77,000 लोग ठीक हुए हैं। वहीं अगर बीते 4 दिनों की बात करें तो 6 अप्रैल को 1,15,736 केस सामने आए, 7 अप्रैल को 1,26,360 मामले सामने आए, 8 अप्रैल को भी 1,31,968 संक्रमण के केस दर्ज हुए। वहीं 9 अप्रैल को कोरोना के 1,45,384 मामले दर्ज किए गए। देश में कोरोना का आंकड़ा 1,32,05,926 तक पहुंच गया है। कुल 1,19,90,849 ठीक हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या 10,46,631 है। वहीं मौत का आंकड़ा 1,68,436 पहुंच गया है। इधर पूर्ण लॉकडाउन को लेकर महाराष्ट्र सरकार की बैठक हुई है। सीएम उद्धव ने एक हफ्ते में लॉकडाउन का इशारा दिया है। कोरोना कॉल में कठोर कदम उठाने होंगे, ये बात कही। जनता को थोड़ी तकलीफ होगी, सीएम उद्धव की राय से देवेंद्र फडणवीस हालांकि असहमत हैं। महाराष्ट्र में जारी महामारी की मार के आगे सरकार बेबस और लाचार नजर आ रही। हालात ऐसे बन गए कि उद्धव सरकार लॉकडाउन लगाने के लिए बैठक कर रही, जिसमें विपक्ष के नेताओं से भी राय मांगी जा रही, ताकि लॉकडाउन को सरकार की नाकामी की तरह पेश नहीं किया जाए। लेकिन बैठक में उद्धव और फडणवीस आमने सामने हो गए और एक दूसरे का विरोध किया। बैठक में क्या बात हुई, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। महाराष्ट्र में केस कम नहीं हुए तो 21 अप्रैल तक स्थिति बेहद खराब हो जाएगी। ये वक्त लॉकडाउन लगाने का है। लॉकडाउन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। दुनिया ने लॉकडाउन को स्वीकार किया है। हमने प्रधानमंत्री से 25 साल के आयु तक के लोगों को वैक्सीनेट करने का अनुरोध किया है, क्योंकि इस बार ये वायरस नौजवानों को भी संक्रमित कर रहा है। भले ही कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए उद्धव ठाकरे लॉकडाउन लगाने की सोच रहे हैं, लेकिन पूर्व सीएम फडणवीस की राय उद्धव ठाकरे से अलग है। पूर्ण लॉकडाउन लगाया तो जनता सड़क पर उतर सकती है। लोगों को ध्यान में रखकर फैसला लेना होगा। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी, उसे पूरा किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच की जाए। इधर पूर्ण लॉकडाउन को लेकर महाराष्ट्र सरकार की बैठक हुई है। सीएम उद्धव ने एक हफ्ते के लॉकडाउन का इशारा दिया है। कोरोना काल में कठोर कदम उठाने की बात कही, साथ ही ये भी कहा कि जनता को थोड़ी तकलीफ होगी। हालांकि उनकी राय से पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असहमत है। उनका कहना है कि अगर संपूर्ण लॉकडाउन लगाया तो जनता सड़कों पर उतर सकती है। इधर महाराष्ट्र में आपको बता दें 24 घंटे में कोरोना के 58,993 नए मरीज आए हैं और 301 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। राज्य में अब कोरोना की चपेट में 32,88,000 लोग हैं और वीकेंड पर टोटल लॉकडाउन, सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा जो है वो दिखाई पड़ा है। इधर महाराष्ट्र में कोरोना की मार पिछले साल से ज्यादा भयावह दिख रही है। महाराष्ट्र में रोजाना 50,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं और इससे उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस पूरी खबर को लेकर हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 58,993 नए केस सामने आए हैं।
पिछले चार दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा लगातार 55,000 से ऊपर है। 6 अप्रैल 55,469 केस, 7 अप्रैल को 59,907 केस, 8 अप्रैल को 56,286 मामले, 9 अप्रैल को 58,993 केस। महाराष्ट्र में मरीजों का यह आंकड़ा पूरी दुनिया में मिले नए मरीजों का 7.5% है। महाराष्ट्र से ज्यादा केस अब सिर्फ ब्राजील और अमेरिका में ही मिल रहे हैं। कुल पॉजिटिव पेशेंट के मामले में महाराष्ट्र दुनिया में 10वें नंबर पर पहुंच चुका है। हालात ये है कि महाराष्ट्र में कड़े प्रतिबंधों के बावजूद कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी नहीं आ रही। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार अब 3 हफ्ते के टोटल लॉकडाउन लगाने की तैयारी में है। माया नगरी मुंबई कोरोना की वजह से एक बार फिर उद्योग धंधे यहां पर बंद होने लगे हैं और ऐसे में मजदूर क्या करें और क्या ना करें। भुखमरी की समस्या सामने आए उससे पहले लोग अपने घर वापस लौटना चाहते हैं। कुर्ला टर्मिनल से हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़, हर कोई अपने अपने घर जाने के लिए बेचैन। डर है लॉकडाउन का, डर है जिंदगी के एक बार फिर बिखर जाने का। क्यों जाना चाह रहे हैं आप लोग? सर जी, यहाँ पर हम लोग का काम धाम बंद हो गया 2-3 दिन से। अच्छा। हम लोग रूम पर बैठे हुए हैं, टिकट नहीं मिल रहा, इसीलिए हम लोग गाँव जा रहे हैं। क्या काम करते हैं आप? पेंटिंग का सर। पेंटिंग का काम पूरी तरह से बंद हो गया? पूरा बंद हो गया, पूरी दुकान बंद हो गई हम लोग की। एक बार फिर भुखमरी की समस्या, एक बार फिर लॉकडाउन जैसे हालात है। महामारी के आगे इंसान बेबस है, काम धंधा गवा देने के बाद अपने अपने गांव लौटने को विवश है। लॉकडाउन पूरा है, काम धंधा ही चल रहा है, कहाँ कमाएंगे, कहाँ खाएंगे, इसलिए घर ही जाएंगे। आप क्यों जाना चाह रहे हैं? मेरे पिताजी का तबीयत खराब है, बहुत सीरियस है, ऑक्सीजन पे इसके लिए जाना। टिकट तो मिल नहीं रहा है, फिर कैसे जाएंगे? अभी तो जाना तो जरूरी है सर, जैसे भी जाना पड़े, फाइन भर के मार खा के घर तो पहुँचना है पिताजी को देखने के लिए। माया नगरी की तस्वीर परेशान करने वाली। कोरोना के कारण काम धंधे बंद हो चुके हैं, ऐसे में पिछले साल जैसे हालात ना बन जाएं, इसीलिए लोग पहले ही अपने अपने घर लौटने के लिए बेसब्र हैं। इधर एक बड़ी खबर आ रही है, मुंबई में साप्ताहिक लॉकडाउन लग चुका है, सोमवार सुबह तक लॉकडाउन जारी रहेगा। ये बड़ी खबर आ गई है, मुंबई के इलाकों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। 24 घंटे में कोरोना के 9,200 केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और मुंबई सबसे ज्यादा, मुंबई में ये आंकड़े आ रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन लगाया गया है वीकेंड, और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। और लॉकडाउन की स्थिति आप देखिए, इस वक्त हम मरीन ड्राइव इलाके में हैं और जहां तक हमारे ड्रोन कैमरे की नज़र जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ पूरा रोड खाली दिखाई देगा। लगातार सरकार लोगों को समझा रही है कि लोग जिस तरह से भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसी भीड़ ना इकट्ठा करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, इसके साथ ही मास्क लगाएं, लेकिन लोग इन चीज़ों को पूरी तरह से मान नहीं रहे हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि लगातार पूरे महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। और आप तस्वीरों में देखिए, मरीन ड्राइव इलाका है जहाँ पर अब चूंकि लॉकडाउन लगा दिया गया है तो आप देखिए सड़कें पूरी तरह से खाली हैं। आपको याद होगा अप्रैल और मई के महीना पिछला, उस वक्त भी लॉकडाउन लगाने के बाद यही स्थिति पूरे मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में थी, पूरे देश में थी। लेकिन अब जिस तरह से नंबर बढ़ने लगे हैं, लॉकडाउन लगाने की जो यहाँ पर सोच थी वो पूरी तरह से सरकार ने नकार दिया था, लेकिन स्थिति जब ज़्यादा बिगड़ने लगी तब सरकार ने फैसला लिया कि शुरुआती जो सप्ताह के शुरुआती 5 दिन होंगे उस दौरान आंशिक तौर पर लॉकडाउन होगा और बाकी 2 दिनों में बहुत ज़्यादा जो 2 दिनों में पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। और आप देखिए, ये वानखेड़े स्टेडियम आप देख पा रहे हैं, इस तरफ वानखेड़े स्टेडियम है जहाँ पर इस वक्त मैच भी खेला जाना है आईपीएल का। साथ ही आप इस तरफ एक ब्रेबोन स्टेडियम भी देख सकते हैं, ये जो पूरी तरह से दिख रहा है ये ब्रेबोन स्टेडियम है। ये ड्रोन कैमरे से हम आपको तस्वीर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मुंबई पूरी तरह से लॉकडाउन में है 2 दिनों के, और मुंबई कर उसे बहुत संजीदगी से फॉलो भी कर रहे हैं। ऐसे में अगर इस स्थिति को बरकरार रखा जाए, जिस तरह से सरकार लगातार अलग अलग अपील कर रही है, अगर इन तमाम अपील को बरकरार रखा जाए तो कोरोना का जो संक्रमण है उस पर लगाम लगाई जा सकती है। सरकार की तरफ से जो तमाम मंत्री हैं, जब बैठक हुई थी उस बैठक में भी ये बात। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।